हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन द मैथ्स क्लास वंस अगेन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.6। हमारा चैप्टर चल रहा है फ्रैक्शन और देखते हैं इसकी लास्ट एक्सरसाइज इसमें हमें क्या करना है। देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दिया हुआ है कि कुछ फ्रैक्शन दिए हुए हैं, उनका एडिशन करना है और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको सब्ट्रैक्शन भी करना है। तो यहाँ पर देखते हैं एडिशन हम किस तरह से करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इसमें देखते हैं 2/3 + 1/7। आपके पास ये दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर हम जो फ्रैक्शंस को ऐड कर रहे हैं ये दोनों ही अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। हमने इसे अनलाइक फ्रैक्शन क्यों कहा है? अनलाइक फ्रैक्शन इसलिए कहा है क्योंकि डिनोमिनेटर्स दोनों के डिफरेंट हैं। इसका डिनोमिनेटर 3 है और इसका डिनोमिनेटर 7 है। तो जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं तो वो अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस का एडिशन करने का मेथड बिल्कुल डिफरेंट है। हमें सबसे पहले क्या करना होता है, 3 और 7 का एलसीएम लेना होता है। तो एलसीएम ऑफ 3 एंड 7, आप एलसीएम ऑफ 3 एंड 7 लेते हैं तो कितना आएगा? आप बहुत ध्यान से देखेंगे एलसीएम 3 और 7 का 21 आएगा। आप चाहे तो इसे रफ स्पेस पर चेक करके भी देख सकते हैं। 3 और 7 का एलसीएम, 3 का एलसीएम देंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 बन जाए 3, फिर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 आ जाएगा आपके पास। यहाँ पर 3 7 जा 21, इसमें आपका एलसीएम इसका 21 आया है। तो अब आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा 3 से। तो 3 7 जा 21, ये जाएगा 7 टाइम्स। आप 7 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, 2 7 जा 14 आ जाएगा। फिर आप 7 को 21 को 3 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 3 जा 21, 3 टाइम्स जाएगा। फिर आप इसका मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे। बहुत ही क्लियर हो जाना चाहिए। तो यहां पर आपके पास इसका जो आंसर आएगा 14 और 3, ये आ जाएगा 17 अपॉन 21, यही इसका आंसर होगा। बहुत ही क्लियर हो जाना चाहिए आपको। हमें इसका सबसे पहले एलसीएम लेना होता है। इन दोनों का एलसीएम 3 और 7 का 21 है। फिर आप इसको इसे डिवाइड करके देखेंगे तो 3 7 जा 7 बार जा रहा है। उस 7 का मल्टीप्लाई आपको 2 से करना है, 7 2 जा 14। फिर 7 को 21 से डिवाइड करके देखेंगे, 3 टाइम्स हो रहा है। फिर इसका मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो 14 और 3 17 अपॉन 21। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, आपके पास कहा गया 3/10 + 7/15। आप सबसे पहले 10 और 15 क्योंकि डिफरेंट नंबर्स हैं, इनका एलसीएम लीजिए। एलसीएम कैसे लेते हैं? एलसीएम के लिए मैंने थोड़ा रफ स्पेस रखा हुआ है। आप एलसीएम लेना बहुत अच्छी तरह आप सबको आ जाना चाहिए क्योंकि हमने थर्ड चैप्टर में एलसीएम फाइंड करना सीखा था। तो हम एलसीएम लेने के लिए सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, 2 से 2 5 से 10। लेकिन 2 से 15 डिवाइड नहीं होता तो 15 को ऐसे ही रखते हैं। फिर हमने दूसरा नंबर लिया है 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से 5, 3 की टेबल में 5 नहीं आता है लेकिन 3 से ही 15 डिवाइड हो जाता है, 3 5 जा 15। फिर नंबर लिया है 5 5 बन जा 5 5 बन जा 5। तो आप देखेंगे यहां पर जो एलसीएम आ रहा है, एलसीएम ऑफ 10 एंड 15, और वो आ रहा है 2 3 जा 6 6 5 जा 30। सबसे पहला काम आपको एलसीएम फाइंड करना बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए। आप जब इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमने इसका जो एलसीएम है यहां रख दिया है 30। आप देखेंगे इसको से डिवाइड करने पर 10 3 जा 30, 3 टाइम्स बाहर जाता है। अब वो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 3 3 जा 9। और फिर आप देखेंगे 15, आप 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 15 2 जा 30, 2 जा। बहुत ध्यान से आप समझिएगा। तो 7 2 जा कितना हो जाएगा, 14, 14 और 9 होता है 23। तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 23/30, ये इसका आंसर होगा। बहुत ही क्लियर आपको समझ में आ जाना चाहिए। हम इसका सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, फिर डिवाइड करके देखते हैं, जितने टाइम्स पर जाता है उसका मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर से कर देते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं जिससे आपका बहुत ही अच्छी तरह से क्लैरिटी आने लगेगी आपको। तो एक दो क्वेश्चन से मैंने हमारे पास ये जो नंबर दिए गए हैं 4/9 एंड 2/7, यहां पर इनके डिनोमिनेटर्स जो है वो डिफरेंट हैं। जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं तो हम उनका एलसीएम लेते हैं। तो देखते हैं 9 और 7 का एलसीएम कितना आता है। हमने देखा सबसे पहले 9 का डिवाइड हो जाता है 3 से, 3 3 जा 9, एंड 3 का 7 डिवाइड नहीं होता तो 7 का 7 ही रखेंगे। फिर देखेंगे 3 1 जा 3, और फिर देखेंगे 7 1 1। तो यहां पर जो एलसीएम है, एलसीएम ऑफ 9 एंड 7 इज 63। आप देखिए 3 3 जा 9 9 7 जा 63। तो 9 और 7 का जो एलसीएम है वो आया है 63। तो
तो आपको सबसे पहले तो एलसीएम लिखना है 63। अब देखेंगे 63 को 9 से डिवाइड किया, 9 7 जा 63 कितने बार जा रहा है, 7 जा, बहुत ही क्लियर, जिसके आगे जा लग जाए, 9 7 जा 63, देन 7 का मल्टीप्लाई हमें 4 से करना पड़ेगा, 9 7 जा जितने बार ये गया हमें उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसके न्यूमरेटर से, तो 7 4 जा 28 आ जाएगा। और फिर देखेंगे 7 9 जा 63, देन 9 का मल्टीप्लाई हम 2 से कर देंगे, 9 2 जा 18, तो आपके पास 28 और 18 को आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 46 अपॉन 63, यही इसका आंसर है। हम इसको और फर्दर चेंज नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये सभी प्रॉपर फ्रैक्शन में आ रहे हैं और प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू को एज इट इज ही रखते हैं। तो अब देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी पार्ट। अब देखते हैं इसका डी पार्ट में क्या दिया हुआ है, आपके पास दिया हुआ है 5/7 + 1/3, आपके पास टू फ्रैक्शन है उनको ऐड करना है। देखिए यहां पर हमें एलसीएम लेना आ जाना चाहिए और एलसीएम आप थोड़े से क्वेश्चन का लेंगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा एलसीएम क्या होता है। देखिए एलसीएम का मतलब मल्टीप्लाई नहीं होता, आप इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा, ऐसा नहीं होता, कहीं तो मल्टीप्लाई हो जाता है और कहीं पर उसका एलसीएम डिफरेंट आता है। तो आपको सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, हमने यहाँ पे 3 का डिवाइड किया तो यहाँ पर 7 आ गया, फिर 7 का डिवाइड किया तो 1 आ गया, इसका जो एलसीएम आ गया 7 एंड 3 का, तो आप लिखेंगे एलसीएम ऑफ 7 एंड 3, 7 और 3 का एलसीएम लिया तो आपके पास आ गया 21। अब आपने क्या किया यहाँ पर 21 लिख दिया, आप 21 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 3 जा कितने बार जाएगा, 3 टाइम्स, उस 3 का मल्टीप्लाई आपको 5 से करना है, 5 3 जा 15, 3 7 जा तो 7 का मल्टीप्लाई आपको 1 से करना है, तो 7 और 15 और 7 हो जाता है 22 अपॉन 21। अब आप देखिए यहां पर ये जो फ्रैक्शन बन रहा है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जहां पर न्यूमरेटर बड़ा हो, ये तो यहां न्यूमरेटर बड़ा है। अब आपको इसको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में रखना पड़ेगा, 21 1 जा 21, रिमाइंडर बचा 1, तो आपका आंसर आएगा 1 1 अपॉन 21, यही इसका आंसर होगा। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट में आपके पास दिया है 2/5 + 1/6, आपको इनको ऐड करना है, ऐड करने के लिए हमें सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ता है, एलसीएम ऑफ 5 एंड 6, आप बहुत ही अच्छी तरह से अपने आप एलसीएम लेके देख सकते हैं, एलसीएम ऑफ 5 और 6 आता है 30, तो 30 इसका एलसीएम आ गया, मैंने यहां पर 30 ले लिया है। सबसे पहले देखते हैं 5 6 जा 30, तो 6 जा तो 6 का मल्टीप्लाई आपको 2 से करना है, 6 2 जा 12 हो जाता है, आप देखेंगे 6 5 जा 30, देन 5 1 जा 5 आ जाएगा, 12 और 5 होता है 17 17 अपॉन 30, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत अच्छी तरह समझ में आने चाहिए, इनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपको करनी है तो बहुत अच्छी तरह से क्लियर होते चले जाएंगे। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं एफ पार्ट, तो एफ पार्ट में आपके पास दिया है 5 एंड 3, तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 3, 5 और 3 का एलसीएम होगा 15, जहां पर भी आपको कोई दिक्कत आए आप उसके एलसीएम को अपने आप फाइंड करें, क्योंकि एलसीएम की प्रैक्टिस आप सबकी होनी चाहिए। और यहां पर हमने एलसीएम लिया है 15, अब फिर हमने क्या किया है 15 को 5 से डिवाइड किया, 5 3 जा 15, ये कितने बार डिवाइड हुआ है 3 टाइम्स, तो आपको इसका मल्टीप्लाई किससे करना है 3 से करना है, तो 4 3 जा कितना आ जाएगा 12, 3 5 जा 15, तो 2 5 जा 10, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 12 + 10 = 22/15। अब ये फ्रैक्शन जो है वो इम्प्रॉपर है, जहां पर आपको ध्यान रखना है जहां पर आपके पास न्यूमरेटर ग्रेटर आता है और डिनोमिनेटर स्मॉलर आता है, तो आपको ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप इसमें चेंज करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, 15 1 जा 15, आपके पास रिमाइंडर बचेगा 7, तो आंसर आ जाएगा 1 7 अपॉन 15, यही इसका आंसर होगा। इसके बाद अब देखेंगे जी पार्ट। अब देखते हैं जी पार्ट में क्या दिया हुआ है, जी पार्ट में आपके पास दिया हुआ है 3/4 - 1/3, आपके पास टू फ्रैक्शंस दिए हैं उसमें सबट्रैक्शन करना है, अभी तक हम जो कर रहे थे उसमें एडिशन कर रहे थे, अब सबट्रैक्शन करना है, तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ऑफ 4 एंड 3, एलसीएम ऑफ 4 एंड 3 इज 12, 4 एंड 3 का जो एलसीएम है वो 12 आता है, ठीक है, तो आपको इसका एलसीएम लेना है 12,
तो देखेंगे आप 4 3 12, आप इसको डिवाइड करेंगे 12 को 4 से, तो आपको पता चलेगा 4 3 12, 3 बार टाइप, 3 टाइप्स किया है तो 3 का मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, 3 3 जा हो जाएगा 9 एंड 3 4 12, तो आपको इसका मल्टीप्लाई 4 से करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 9 में से 4 माइनस हुआ तो 5 upon 12, यही इसका आंसर होगा, ये आपको बहुत क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, आपके पास 5 upon 6 माइनस 1 upon 3, मैं एक बार बहुत क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि बच्चे जनरली क्या करते हैं, जब एलसीएम फाइंड करते हैं तो वो इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, एलसीएम ऑफ 6 and 3 is 6, एलसीएम का मतलब मल्टीप्लाई नहीं होता है, ये बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहां मैंने कहा था कहीं किसी प्लेस पर तो मल्टीप्लाई आ जाता है और किसी प्लेस पर मल्टीप्लाई नहीं आता। आप चेक करके देख सकते हैं 6 और 3 का एलसीएम कितना आता है, 6 and 3 का जब एलसीएम फाइंड करेंगे तो आप 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 6, 3 1 3, फिर 2 से करेंगे तो 1 and 1, तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 6। तो पहले आपको एलसीएम फाइंड करना बहुत जरूरी है, 6 और 3 का एलसीएम ने लिया 6, 6 1 6 एंड 5 1 5 एंड 3 2 6 एंड 2 1 2। तो यहां पे आपके पास आ गया इसका आंसर 3 upon 6, क्योंकि 3 upon 6 नंबर आया है, 3 upon 6 में आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों वैल्यू कट जाएंगी, किससे कटेंगी, 3 से, 3 1 3 एंड 3 2 6, तो आपके पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1 upon 2। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट में आपके पास एडिशन दिया है, लेकिन यहाँ पर 2 fractions के प्लेस पर 3 fractions दे दिए गए, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, 3 हो या 2 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, करने का मेथड बिल्कुल सेम है। अब देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इनका एलसीएम क्या आता है, हमें देखना पड़ेगा 3 4 and 2 का एलसीएम क्या आता है, हम सबसे पहले एलसीएम फाइंड करते हैं 3 4 and 2 का। आप देखिए यहाँ पर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, 3 से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि 3 नंबर आता नहीं है 2 की टेबल में, 2 2 4, 2 1 2, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ 1 1 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 1 1 1। तो एलसीएम जब हम फाइंड करेंगे बहुत ही ध्यान से करेंगे, एलसीएम फाइंड करना आप सबको आना चाहिए, 2 2 4 3 12, तो यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर्स हैं 3 4 and 2, इन तीनों का एलसीएम आया है 12। अब देखते हैं एलसीएम लेके हम वही प्रोसेस करेंगे जो हम पहले कर रहे थे, हमने इनका एलसीएम रख दिया 12, और 12 एलसीएम रख करके फिर देखते हैं फिर क्या करते हैं, फिर हम डिवाइड करते हैं, हम देखते हैं 3 4 12, हम इसको डिवाइड करेंगे 12 को 3 से, तो 3 4 12, 4 जा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो हम क्या करते हैं 4 का मल्टीप्लाई 2 से कर देते हैं, तो कितना आ जाता है 8 आ जाता है, फिर देखते हैं 4 3 12, 3 जा, तो इसका मतलब आप 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना आएगा 9 आ जाएगा, और 2 6 12, देन 6 1 6, तो आपके पास इनको ऐड करेंगे तो 8 और 9 17, और 17 और 6 होते हैं 23, तो आपके पास आ जाएगा 23 upon 12। बिकॉज ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जहां पर डिनोमिनेटर स्मॉलर हो न्यूमरेटर ग्रेटर हो उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को हम इसमें मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, तो आप इसको डिवाइड करें 12 बन जाए 12, आपके पास बचेगा इसमें से 11, तो आपके पास इसका आंसर आएगा 1 11 upon 12, यही इसका आंसर होगा 1 11 upon 12। अब देखते हैं इसका जे पार्ट, जे पार्ट में आपके पास कहा गया 1 upon 2 plus 1 upon 3 plus 1 upon 6, आपको क्या करना है 2 3 6 का सबसे पहले एलसीएम लेना है, मैंने यहाँ पर एलसीएम दिया है 2 3 6 का और आया है 6, आप देखेंगे 2 3 जा 6, देन 3 1 जा 3, उसके बाद हम देखेंगे 3 2 जा 6, देन 2 1 जा 2, और फिर हम देखेंगे 6 1 जा 6, देन 1 1 जा 1, आप सबको ये बहुत अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए, 3 3 और 2 5 और 1 6, ये आ जाएगा 6 upon 6, और 6 से 6 कट जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 1 upon 1, और 1 upon 1 को आप 1 लिख सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी तरह से बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको एलसीएम लेना आना चाहिए, और एलसीएम से फिर आपको मैंने बताया डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके आपके पास जो आएगा उसका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करते हैं। ये आपके पास कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, और इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इसमें मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यू दी गई है, आपको चेक पहले चेंज करनी है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, उसके बाद इसको ऐड करना है, तो कैसे करते हैं देखिए 3 1 जा 3, और 3 और 1 4, तो आपके पास आ जाएगा 4 upon 3, और 3 3 जा 9, 9 और 2 11 upon 4,
तो यहां पर हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहां पर भी 3 है और यहां पर भी 3 है, अब हमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। जब डिफरेंट होता है तो हमें एलसीएम लेने की जरूरत पड़ती है, यहां पर 3 और 3 का एलसीएम 3 आएगा, इन दोनों का एलसीएम 3 आया है, तो हम देखेंगे 3 बन जाए 3, देन 4 बन जाए 4, 3 बन जाए 3, देन 11 बन जाए 11, 11 और 4 हो गया 15/3, और 15/3 आ गया तो 3 बन जाए 3, 3 5 जाए 15, तो आपके पास इसका आंसर आना चाहिए 5/1, और 5/1 को आप 5 लिख सकते हैं। बहुत ही क्लियर, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, आपके पास दे रखा है 3/4 = 12, 12/2 = 14/3, और ये हो जाएगा 4/3 = 12, 12/1 = 13/4। तो यहां पर हमने देखा, यहां पर हमारे पास जो फ्रैक्शन दिए गए हैं उनको एड करना है, और वो फ्रैक्शन हमारे मिक्स फ्रैक्शन में है। 3/4 = 12, 12/2 = 14/3, 4/3 = 12, 12/1 = 13/3। इसके बाद हमने देखा कि ये दोनों का एलसीएम हमें लेना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 इज 12, इन दोनों का एलसीएम 3 और 4 का आता है 12, तो आपने एलसीएम लिया 12। अब देखेंगे 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3/4 = 12, देन 14/4 = 56, बहुत ही क्लियर, 4/3 = 12, 33 = 39, और 39 और 56 को आप ऐड करेंगे तो देखते हैं कितना आता है, 9 और 6 15 का 5 कैरी लगा 1, 3/4, 4/5 = 9, 95/12। अब आपको इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी रखना है, तो आप डिवाइड कर देंगे इसका, 12/5 = 60, 12/6 = 72, 12/7 = 84, 12/7 = 84, तो आपके पास 12/7 = 84 आएगा, 12/8 = 96 होते हैं वो ग्रेटर नंबर हो जाएगा, तो 12/7 = 84 हम देखेंगे बच्चे का आपके पास 11, तो आंसर आएगा इसका 7/11/12, ये इसका आंसर होगा। अब देखते हैं इसका एम पार्ट, एम पार्ट में आपके पास जो फ्रैक्शंस दिए गए हैं उसमें सबट्रैक्शन हमें करना है, और देखा है हमने यहां पर भी 5 है और यहां पर भी 5 है, दोनों का डिनोमिनेटर में 5 है, तो इट मींस इनका एलसीएम भी 5 ही आएगा, उसको हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है, तो 5 × 5 देन 16 × 16 एंड 5 × 5 देन 7 × 7, 16 में से 7 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, 9/5 इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन इसको भी हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, तो हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया तो देखेंगे कितना आता है, 5 × 5 बचेगा आपके पास 4, तो यहां पर इसका आंसर आएगा 1/4/5, यही इसका आंसर होगा, बहुत ही क्लियर आप सबको हो जाना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, और इसका ही लास्ट पार्ट भी है, यहां पर 4/3 - 1/2 दिया गया है। सबसे पहले देखते हैं 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, ये आप अपने आप ही फाइंड करके देख सकते हैं, तो हमने देखा 6 इसका एलसीएम है, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 2 = 6, तो यहां पर आ जाएगा 4 × 2 = 8, 2 × 3 = 6, देन 3 × 1 = 3, तो हमारे पास आ जाएगा इसका 8 में से 3 माइनस होगा तो 5/6, ये इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 5/6 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने की जरूरत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।